हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एसेट्स बेसिस एंड सॉल्ट। ये आईसीएसई बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी टॉपिक है, तो ये सबके लिए थोड़ा डिटेल में होगा, तो शुरू से लेकर एंड तक के आप देखिए। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं? एसिड्स आर डिफाइंड एज अ कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर। दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयंस इन दैट सॉल्यूशन। जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? H2O क्या निकलेगा? हाइड्रोनियम आयन निकलेगा। यही हाइड्रोनियम आयन बताता है कि HCl क्या है? एक एसिड है। अगर हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहा है या हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? एसिड हो जाएंगे। एट फर्स्ट द एसिड मॉलिक्यूल फर्निशेज हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन, बट दिस एच प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, देयरफॉर इट कंबाइंस विद द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। दिस हाइड्रेटेड आयन कैन नाउ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन सॉल्यूशन। हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड। तो ये समझिए, जैसे हमने लिया H2SO4, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ से ब्रेक करा, ये क्या है? कैटायन, ये क्या है? एनायन। तो क्या निकलेगा? 2H+ SO4 2-। ओके, तो ये कितने हाइड्रोजन आयन दिया, पर ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए ये क्या फॉर्म कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर? अगर हम दूसरा देखें, H2SO4 when dissolved in water, तो ये क्या होगा? H2O, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। HCl H2O में डिजॉल्व हुआ, क्या बना? हाइड्रोनियम आयन, और क्या निकल गया? क्लोराइड आयन। H2SO4, बस आप इसको ब्रेक करते चलिए कैटायन और एनायन में। अगर ये आप ब्रेक कर लेगा कैटायन और एनायन में, अपने आप से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। H2 H2O, हाइड्रोनियम आयन, सल्फेट आयन। HNO3 जब डिजॉल्व होगा वाटर में तो क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रेट आयन। CH3COH, ये क्या होता है? एसिटिक एसिड। ये जब डिसॉल्व होता है, ये एक तरीके का वीक एसिड होता है। जब ये डिसॉल्व होता है तो क्या होता है? यहाँ से ब्रेक होता है, ये H2O के साथ मिल जाता है, क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या बन जाता है? CH3COO- मतलब एसीटेट आयन। गॉट इट? ओके, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या है? सब में कॉमन है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? एक तरीके का एसिड हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। एसिड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किस बेस पे डिवाइड करते हैं? तो पहला बेस है डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज। तो सोर्सेज में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। इनमें क्या होता है? कार्बन होता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हैं। और ये कैसे एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं, एंड दे डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएं, वीक एसिड्स वो होते हैं जो क्या हो जाएं? कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं। दे कंटेन आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल। तो इनमें आयंस भी होता है और मॉलिक्यूल्स भी होता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स को ही हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं HCl, H2SO4, HNO3। ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ओके, दे आर ऑब्टेन यूजुअली फ्रॉम मिनरल्स, देयरफॉर दे आर नोन एज मिनरल एसिड, एक्सेप्ट H2CO3। तो याद रखिएगा, कार्बनिक एसिड के अलावा और सब आपके क्या है? मिनरल एसिड हैं। चलिए नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। तो जो जितनी जल्दी आयनाइज हो जाएगा, जितनी जल्दी हाइड्रोनियम आयंस दे देगा, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो जितनी देर में देगा, वो कैसा एसिड होगा? वीक एसिड। इसी बेस पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं पेपर में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके एग्जांपल्स आपको
याद रखने हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड्स है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो कि बहुत जल्दी आयनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और हाइड्रोनियम आयन दे देते हैं, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं और आयंस भी बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। अंडरस्टूड? एग्जांपल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल हैं एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड, और जितने भी आपके अभी आपने यहाँ पे देखा जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो भी आपके क्या हैं, वीक एसिड्स हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्जांपल्स हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड के वो भी क्या आ जाते हैं, किसके अंडर आते हैं, वीक एसिड के अंडर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। सबसे बेस्ट एग्जांपल इनको समझने के लिए कि हमने एक एसिड लिया और उसमें हमने 95% एसिड लिया और 5% वाटर लिया, तो जो ऐसा सॉल्यूशन तैयार होगा वो कैसा कहलाएगा, कंसेंट्रेटेड एसिड कहलाएगा, जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत कम है, ऐसे एसिड कहलाते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड, नाम ही से पता चला है डाइल्यूट, मतलब हमने उसमें पानी मिला दिया। अब अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाएं जिसमें हम 40% हम मान लीजिए एसिड लें और 60% हमने क्या लिया, पानी लिया, तो ऐसे एसिड क्या कहलाते हैं, डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि कंसेंट्रेटेड एसिड जिनमें एसिड ज़्यादा हो, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, डाइल्यूट एसिड जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अब एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कंसेंट्रेशन ऑफ एन एसिड सिंपली टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड एंड नॉट एट ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। जो कंसेंट्रेशन है वो सिर्फ बताता है कि पानी की मात्रा कितनी, अमाउंट कितना है, ज़्यादा है, कम है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं बताता कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज द मेजर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की सिर्फ और सिर्फ मेजर हम करते हैं हाइड्रोनियम आयन से, जो जितनी जल्दी हाइड्रोनियम आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। वाटर की प्रेजेंस से स्ट्रेंथ नहीं नापी जाती है, ठीक है, इसीलिए डाइल्यूट HCl इज स्ट्रॉन्गर देन हाईली कंसेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे कहें कि कंसेंट्रेटेड है तो एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू HCl, डाइल्यूट HCl नहीं, डाइल्यूट HCl इज स्ट्रॉन्गर देन हाईली कंसेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन नहीं निकाल पाता है, पार्शियली आयनाइज होता है, बहुत देर में निकालता है, जबकि HCl क्या हो जाता है, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, बहुत जल्दी हाइड्रोनियम आयन दे देता है। अंडरस्टूड? ये आपका गिव रीज़न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन मॉलिकुलर कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सी एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट। अगर जैसे नाइट्रिक एसिड है तो इसमें क्या है, आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड, तो खुद देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कोई अदर एलिमेंट कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो एसिड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ऑक्सी एसिड के लिए। अब अगर एक कोई इक्वेशन बनता है एमसीक्यू में कि इनमें से ऑक्सी एसिड कौन सा है, ये चार दे दिए जाएं और लास्ट में दे दिया ऑल ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, या फिर तीन दे दिए जाएं, कोई एक अलग से दे दिया जाए और पूछा जाए कौन सा ऑक्सी एसिड नहीं है, तो जो इनमें से एग्जांपल में ना हो आप खुद देख लीजिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चेक कर लिए, अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सी एसिड्स कहलाएंगे। हाइड्रा एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड नो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, नॉन मेटल प्रेजेंट हो, लेकिन ऑक्सीजन ना हो, ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रा एसिड्स कहेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। खुद ही आप चेक कर लिए, HCl, Cl क्या आपका नॉन मेटल, H क्या है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है नहीं है, तो ये किस टाइप का हो गया, हाइड्रा एसिड। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द बेसिसिटी, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। देखिए एसिड की हम लोग बेसिसिटी निकालते हैं और बेसिक की हम लोग एसिडिटी निकालेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूज ना हो। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन।
डेफिनेशन बड़ी है, समझने की कोशिश करिए कि एक मॉलिक्यूल एसिड हम लेंगे, जैसे HCl या एक मॉलिक्यूल, ठीक है, जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ मिलाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वो हाइड्रोनियम आयन कितने देती है? एक देता है तो मोनोबेसिक, दो देता है तो डाई बेसिक, तीन देता है तो ट्राई बेसिक। इस नंबर पे हम लोग इसके सब टाइप करते हैं, ठीक है। तो पहला है मोनोबेसिक एसिड, एसिड्स विच ऑन आयनाइजेशन वाटर प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, एक मॉलिक्यूल में कितना दे, एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। ओके, चलिए देखिए एक बार समझने की कोशिश करिए, HCl प्लस हाइड्रोनियम वाटर, ओके, जब हम HCl को वाटर में डिजोल्व करा मतलब एक्वस स्टेट में हो गया, तो ये क्या देगा, ये हाइड्रोजन हम ब्रेक कर देंगे, प्लस Cl क्या हो गया, माइनस एनायन, ये हाइड्रोजन वाटर के साथ मिलके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या है, क्लोरीन, माइनस, कितना हाइड्रोनियम आयन दिया, एक दिया, जब एक हाइड्रोनियम आयन दिया तो ये किस कैटेगरी में आ गया आपका, मोनो बेसिक एसिड में आ गया। अंडरस्टूड, क्लियर, चलिए और अदर एग्जांपल्स के क्या है, HBr, HNO3, देखिए एक H है, सिंपली एक H है, जब एक H प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएंगे, मोनो बेसिक एसिड में। अब आप कहेंगे CH3COOH का, तो CH3COOH एसिटिक एसिड को हम लोग जो ब्रेक करते हैं वो यहाँ से ब्रेक करते हैं, ये H नहीं देखेंगे, ये H देखेंगे, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कितने हाइड्रोजन आयन है, वन हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल किसका हो जाएगा, मोनो बेसिक एसिड का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डाई बेसिक एसिड, तो डाई बेसिक एसिड विच ऑन आयनाइजेशन वाटर प्रोड्यूस टू हाइड्रोनियम आयन, दो हाइड्रोनियम आयन देगा, क्या कब देगा, पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, एक मॉलिक्यूल पर दो हाइड्रोनियम आयन देगा, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, डाई बेसिक एसिड में आ जाएगा। एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, कार्बनिक एसिड H2CO3, सब में क्या है, दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कौन से हो जाएंगे, डाई बेसिक एसिड्स, ठीक है। अभी हम डिसोसिएशन कैसे करेंगे ये देख लीजिए, H2SO4 है, ठीक है, कैसे समझेंगे, H2SO4, ठीक है, जब हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा तो ये क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, प्लस HSO4 माइनस, एक हाइड्रोनियम आयन आ गया, ये क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HHSO4, इसको यहाँ से ब्रेक करिए, एक एटाइन और ये क्या हो गया, एनायन हो गया, तो ये H क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, हाइड्रोनियम आयन, और ये HSO4 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोनियम आयन आया लेकिन अभी भी इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये अभी और टूटेगा, तो जब ये और होगा ब्रेक तो कैसे होगा, HSO4 प्लस H2O, फिर ब्रेक कर दीजिए H+SO4, ठीक है, अभी एक और निगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4 2-, तो ये क्या हो गया, इस पर टू चार्जेस आ गए, और जबकि HSO4 पे क्या था, वन चार्ज था, निगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्रेक होगा। चलिए कार्बनिक एसिड, तो कार्बनिक एसिड का भी ऐसे ही होगा, एक हाइड्रोनियम आयन HCO3-, फिर HCO3- का जब हम वाटर के साथ मिलाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो क्या देगा, दूसरा हाइड्रोनियम आयन देगा और कार्बनेट आयन दे देगा, तो ये कितने हो गए, दो हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, तो ये किसके अंदर आएंगे, डाई बेसिक एसिड्स के साथ आएंगे। डाई बेसिक एसिड्स हैव टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स, देयरफॉर दे फॉर्म वन एसिड सॉल्ट एंड वन नॉर्मल सॉल्ट, तो डाई बेसिक एसिड के पास क्या है, दो जो कि रिप्लेस हो सकते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेस हो सकते हैं, तो वो क्या होता है, एक बनाता है एसिड सॉल्ट और दूसरा बनाता है नॉर्मल सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट है ट्राई बेसिक एसिड, तो ट्राई बेसिक एसिड कितने देंगे, तीन हाइड्रोनियम आयन देंगे पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल तीन हाइड्रोनियम आयन देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्राई बेसिक एसिड कहलाएंगे। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड इसके क्या है, एग्जाम्पल है, तो ये अब क्या होंगे, तीन स्टेप में हाइड्रोनियम आयन देंगे। चलिए देखते हैं H3PO4 वाटर के साथ डिसॉल्व कर लिए, साथ में आप भी कॉपी में करते जाइए और आसानी समझ, अब इसको हम क्या लिख लेंगे, HHPO4 H2PO4 ऐसे लिख लिया इसको,
जब इसको ऐसे लिख लेंगे तो आसानी से ब्रेक कर लिया, H प्लस H2PO4 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोनियमाइन, ये पानी के साथ मिल जाएगा प्लस H2PO4 माइनस। एक स्टेप हो गया, एक हाइड्रोनियमाइन रिलीज आउट हो गया, अभी भी कितने दो हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। चलिए अब हम करते हैं H2PO4 माइनस, इसको H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फिर ब्रेक होगा। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए HHPO4 माइनस, तोड़ दीजिए ये प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये जब टूटेगा तो क्या होगा हाइड्रोनियमाइन, ये H प्लस किसके साथ चला जाएगा H2O के साथ, प्लस HPO4 2 माइनस, यहाँ पे टू नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। ओके फिर नेक्स्ट HPO4 माइनस प्लस H2O वाटर के साथ डिसॉल्व करा, अब ये हाइड्रोजन किसके साथ हो जाएगा इसके साथ, फिर ब्रेक कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन। तो कितने हाइड्रोनियम आयन आए, 1, 2 एंड 3, तीन हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल में आए, तो वो किसके एग्जांपल हो गए, ट्राई बेसिक एसिड के एग्जांपल हो गए। ठीक है, ट्राई बेसिक एसिड कैन फॉर्म टू डिफरेंट एसिड सॉल्ट्स एंड वन नॉर्मल सॉल्ट बिकॉज दे हैव थ्री रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, इनके पास तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है इसलिए ये क्या होंगे, दो अलग अलग सॉल्ट्स बनाएंगे प्लस एक नॉर्मल सॉल्ट बनाएंगे, दो डिफरेंट एसिड सॉल्ट्स बनाएंगे। डाई बेसिक क्या हो रहा था, वन एसिड सॉल्ट बना रहा था, वन नॉर्मल सॉल्ट बना रहा था, ट्राई बेसिक एसिड क्या करेगा, दो डिफरेंट एसिड सॉल्ट बनाएगा और एक नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड्स की प्रिपरेशन कैसे होती है। पहला है बाय सिंथेसिस, बाइनरी एसिड्स, एसिड्स कंटेनिंग टू एलिमेंट, जब हाइड्रोजन और कोई नॉन मेटल मिलता है तो क्या बनता है HCl, जाहिर सी बात H2 प्लस Cl2 क्या बन गया HCl। ठीक है, अब यहाँ ये ना कहिएगा कि H2Cl2 बनेगा, बिल्कुल गलत है, ये क्या बनेगा HCl है, H की वैलेंसी क्या होती है प्लस होती है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1 होती है, तो जब ये हो जाएगी तो क्या बन जाएगा HCl बनेगा। फिर हम बैलेंस कर लेंगे, ऐसे H2Br2 भी क्या है नॉन मेटल है, तो ये क्या बना देगा HBr, H2 जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड, जब कोई हम एसिडिक ऑक्साइड्स लेंगे उनको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे एसिड्स बनाएंगे, अगर हम सल्फेट को करेंगे वाटर के साथ तो क्या बनाएंगे सल्फ्यूरस एसिड बनाएंगे, जैसे समझिए SO2 + H2O, ये क्या आपका एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, जो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट हुआ। चलिए H2 SSO कितने O3 क्या बन गया सल्फ्यूरस एसिड। अब अगर हम यहीं पर ज़रा से चेंज कर दें H2SO3 कर दें, खुद बताइए कितने हो गए H2S3 + 4, अब क्या बन गया सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, है कितना ईजी। ऐसे देखिए CO2 H2O के साथ रिएक्ट किया तो H2CO कितने 3 कार्बनिक एसिड बन गया, और फॉस्फोरस के साथ क्या बनेगा फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ओके, ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड से क्या होते हैं ऑक्सी एसिड्स प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि क्या होता है हम क्या ले रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड्स ले रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का क्या करना ऑक्सीडेशन किसमें कन्वर्ट होता है एसिड्स बनाता है, जैसे सल्फर नाइट्रिक एसिड इसके लिए हम यूज़ करेंगे, मतलब नाइट्रिक एसिड क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, इसलिए HNO3 लिया गया। जब सल्फर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्या बना देगा H2SO4 बना देगा, नाइट्रोजन ब्रेक होके किस में बन जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बन जाएगी, बचा हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है पानी बनता है, तो ये याद रखिएगा जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, जैसे सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, फॉस्फोरस है तो क्या बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा पानी बनाएगा और उस नाइट्रोजन ऑक्साइड या जो भी हमने लिया यहाँ पे एसिड उसको ऑक्साइड बनाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड से, सॉल्ट प्लस लेस वोलेटाइल एसिड
गिव्स सॉल्ट प्लस मोर वोलेटाइल एसिड, हमने लिया NaCl H2SO4, तो ये क्या बन जा देगा NaHSO4 प्लस NaCl। देखिए कैसे हुई रिएक्शन, NaCl प्लस H2SO4, हमने H2SO4 को ब्रेक करके लिख लिया, ओके ये हमने ब्रेक कर दिया, केटायन और एनायन, केटायन और एनायन, तो हमको मालूम है केटायन किसके साथ रिएक्ट होता है, एनायन के साथ, और ये केटायन ये एनायन के साथ, हो गए बस रिएक्शन हो गए, NaHSO4 प्लस HCl, बस हो गया रिएक्शन कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्या है, NaNO3 प्लस H2SO4, फिर आप ऐसे ही ब्रेक कर लीजिए H2SO4 को HHSO4 लिख लीजिए, तो Na क्या होगा HSO4 के साथ रिएक्ट हो जाएगा, बच्चा H ये NO3 के साथ मिलके क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, अब एसिड्स के हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ये इसके प्रिपरेशन हो गए, कौन कौन से मेथड थे, बाय सिंथेसिस, जब हम हाइड्रोजन और नॉन मेटल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, जब हम एसिडिक ऑक्साइड्स लेंगे और वाटर लेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। फिर नेक्स्ट मेथड था बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, तो जब नॉन मेटल लेंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे कोई भी, जैसे नाइट्रिक एसिड, तो जब हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फर फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये क्या बना देंगे H2SO4, H3PO4, और नाइट्रोजन क्या बना देगा, अपना ऑक्साइड, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर। नेक्स्ट है बाय डिस्प्लेसमेंट, तो जब हम सॉल्ट लेंगे और लेस वोलेटाइल एसिड लेंगे तो क्या होगा, फिर से सॉल्ट बनेगा लेकिन मोर वोलेटाइल एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, तो पहली प्रॉपर्टी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टी का पहला है टेस्ट, तो हमें मालूम है एसिड का कैसा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, ये इसलिए क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं MCQs में, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। मिनरल एसिड लाइक H2SO4 एंड HNO3 आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, देयरफॉर दे शुड नॉट बी टेस्टेड, तो धोखे से भी H2SO4 HNO3 मत टेस्ट कर लेना टेस्ट के लिए, वरना मुंह जल जाएगा या स्किन जल जाएगी क्योंकि बहुत कोरोसिव होते हैं। फिर आता है फिजिकल स्टेट, तो सम एसिड्स आर सॉलिड एंड सम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो कुछ क्या होते हैं सॉलिड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये एक चार्ट दिया हुआ है, एग्जांपल्स नहीं हमें देख लीजिएगा, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन स्किन, तो मालूम है कि कोई भी किसी पर एसिड डाल देता है तो क्या हाल होता है, या एसिड आपको अगर ज़रा से टच हो जाए तो वहाँ की स्किन आपकी पूरी बर्न हो जाती, निकल जाती, तो ये बहुत कोरोसिव होते हैं, एसिड का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अगर यूज़ करना चाहिए तो बहुत केयरफुली करना चाहिए, ग्लव्स पहन के करना चाहिए ताकि एसिड स्किन पर मत टच हो, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं बहुत कोरोसिव होते हैं नेचर में। कार्बनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट कोरोसिव, तो अगर पूछा जाए कौन नहीं कोरोसिव होते हैं, कार्बनिक एसिड और जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जाहिर सी बात है लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब आपके कोरोसिव नहीं होते, हम लोग यूज़ करें। दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, तो इंडिकेटर तीन इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस, तो लिटमस का कलर क्या हो जाता है ब्लू टू रेड, मिथाइल ऑरेंज, तो इसका कलर क्या हो जाता है ऑरेंज से पिंक, फिनोल्फथलीन, इसका कलर क्या होता है रिमेंस कलरलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में कभी पूछ लेते हैं, कभी ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं, तो ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि लिटमस में जो कलर चेंज होता है एसिडिक मीडियम में वो क्या होता है ब्लू से रेड होता है, मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाता है ऑरेंज से पिंक हो जाता है, फिनोल्फथलीन में क्या हो जाता है रिमेंस कलरलेस होता है। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आता है आपका कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट मतलब फाइंड आउट करिए, उसमें ये पॉइंट आपके दिए होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, जब एक्वस स्टेट में होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या देंगे आयंस देंगे, आयंस देंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक है कार्बनिक एसिड इज़ अ वीक मिनरल एसिड, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पिंक, ठीक है, तो सारे लिटमस एसिड्स क्या होते हैं ब्लू टू रेड करते हैं, लेकिन कार्बनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो क्या कर देता है ब्लू लिटमस को पिंक कलर में चेंज कर देता है, और ये नॉन कोरोसिव भी होता है, इसीलिए ये क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक पे यूज़ किया जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो यहाँ रिएक्शंस आप पढ़ेंगे आगे आपके जो कंपाउंड वाले हैं उसमें भी आपके काम आने वाले, तो यहीं से आप बेस तैयार करते चलिए रिएक्शंस का। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, तो रिएक्शन जब एसिड्स एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस देंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बनाएंगे और रिएक्शन बैलेंस करना आनी चाहिए। तो जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, याद रखिएगा। बहुत डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट एक्सक्लूसिवली विद एक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, बहुत एक्सप्लोसिवली होता है, मतलब धमाके वाला होता है, एंड मॉडरेटली विद लेस एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मेटल एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं तो उसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, और बहुत आराम से जो रिएक्ट कर जाते हैं वो कौन है, मैग्नीशियम एंड जिंक। ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो मैग्नीशियम है जब HCl H2SO4 किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और हाइड्रोजन आयंस के तो फॉर्म में निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलता है, H2 के फॉर्म में निकलता है, या ना तो हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में निकलेगा ना तो हाइड्रोजन H के फॉर्म में निकलेगा। हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में होती है, H2 के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ZN है तो इसको फिर ब्रेक कर दिया, तो ZN क्या होगा, कैटायन है, एनायन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे कोई एनायन है नहीं इसलिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेगी। आयरन Fe जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करे, देखेंगे रिएक्शन बहुत ईजी होती है, फॉर्म करना याद करने की ज़रूरत ही नहीं, याद है तो बच्चे रटते हैं, इनको रटने की ज़रूरत ही नहीं। हमने लिखा MgHCl, ब्रेक कर दीजिए, कैटायन एनायन क्या होगा, ये क्या है कैटायन, तो ये क्या कैटायन एनायन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस, और ये क्या होगा H, तो ये क्या हो जाएगा H2। अब ये ना कहिएगा Mg है Cl बनेगा, MgCl बनेगा, हाँ 9th क्लास में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, फार्मूला बनाना आता है। तो जब भी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2+, क्लोरीन की कितनी है -1, तो ये क्रिस क्रॉस होंगे, क्या बनाएंगे, MgCl2, अंडरस्टूड। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया, नाइट्रिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी बता चुके हैं, सो इट इज़ नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में नहीं यूज़ होता है, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत नोट डाउन कर लीजिए, नोट बड़ा से लिख लीजिए कॉपी में, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर, जो ये हाइड्रोजन बन रहा है इसका क्या करेगी, ऑक्सीडेशन कर देगी किसमें, वाटर में, एंड दस डिफीट्स द पर्पज ऑफ द रिएक्शन, तो जो हाइड्रोजन गैस हम बना रहे थे, मिल रही थी हमको, वो क्या होगा, नहीं मिल पाएगी, तो रिएक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि मैग, बहुत बार पूछा जा चुका है, हर बार पूछा जाता है कहीं ना तो कहीं, ट्रू फॉल्स में, नेम द फॉलोइंग में, किसी फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दो मेटल हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो वो कौन है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, कैसी नाइट्रिक एसिड, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मतलब पानी अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए और एसिड कितना होना चाहिए, 1% होना चाहिए, तब जाके हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब भी एसिड बेसिस के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कोई बेस दिया हुआ है, ओके, एसिड्स के साथ रिएक्ट करना है, एसिड्स के साथ रिएक्ट हुआ, फिर तोड़ दीजिए आप, ब्रेक कर दीजिए, कैटायंस एनायंस, हमने लिए NaOH प्लस HCl, कोई याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है बस, Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस, तो ये क्या होगा, ये कैटायन इस एनायन के साथ जाएगा NaCl, और ये कैटायन इस एनायन के साथ जाएगा तो क्या बना देगा, वाटर, तो ये बन गया सॉल्ट, ये बन गया वाटर, हो गया रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो जब भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस मिलेगी, रिलीज आउट होगी, CO2, ये याद रखिएगा, पहला तो ये क्लियर हो गया। जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, डिफरेंस पता है, कार्बोनेट क्या होता है जिसमें CO3 हो, बाइकार्बोनेट HCO3,
HCO3 की वैलेंसी क्या होती है? -1। CO3 की वैलेंसी क्या होती है? -2। और HCO3 की वैलेंसी क्या होती है? -1। ओके, जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट्स बनाएंगे, प्लस वाटर रिलीज आउट होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनेगी। इफ़ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल देन द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड। अगर ये जो सॉल्ट बनना है ये कैसा इनसॉल्युबल है तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। सो वी डू नॉट एक्सपेक्ट लेड कार्बोनेट टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नॉर डज कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करती है। रीज़न, क्योंकि जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगी। अंडरस्टैंड? द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर द ओनली कॉमन वंस विच एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। तो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम के, वही क्या करते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। वहाँ तक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो कौन सी गैस रिलीज आउट हो रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, तो कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम या बाइसल्फाइड हमने लिया, फिर अगेन वही चीज़ है कि सल्फाइड है तो वैलेंसी -2, बाइसल्फाइड है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? -1। ये एसिड के साथ रिएक्ट हुई, क्या बना? सॉल्ट बना, वाटर बना, और कौन सी गैस निकल गई? SO2। बस आपको ये चीज़ थोड़ा सा याद करना होगा, एक बार टाइम दीजिए, थोड़ा सा एक दो बार वीडियो देखिए, आपको खुद अपने आप से याद हो जाएगा। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, वो था सल्फाइट, ये सल्फाइड्स, ठीक है? तो और इसकी वैलेंसी क्या होती है? -2। जब भी हम मेटल सल्फाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? इसकी स्मेल कैसी होती है? एग रॉटन जैसे, सड़े हुए अंडे जैसे। याद रखिएगा, आइडेंटिफाई द गैस आ जाता है उसमें, ये बहुत हेल्प कर रहे हैं। ZnSFeS HCl H2SO4 के साथ बना, फिर आप ब्रेक कर लो आसानी से, कैटायन को एनायन के साथ मिला दो, एनायन को कैटायन के साथ मिला दो, और करा दो रिएक्शन कंप्लीट। तो ये क्या बन गया? सॉल्ट, और ये क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब है रिएक्शन विद क्लोराइड्स। क्लोराइड्स डू नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ डाइल्यूट एसिड। पहला पॉइंट, ये डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट होती हैं। इन जनरल क्लोराइड्स रिएक्ट विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन वार्मिंग टू लिबरेट HCl। तो जो क्लोराइड्स होती हैं वो क्या होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है और ये सब हैं, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगी? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी। कैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? और इनमें टेम्परेचर होता है, बिलो में कुछ और बनाते हैं और अबव में कुछ और बनाते हैं। तो जब हम बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेंगे तो क्या बनाएगा आपका? NaHSO4 प्लस HCl। और जब अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये NaCl NHSO4 क्या बनाएंगे? Na2SO4 प्लस HCl, ओके? या फिर आप इसको NaHSO4 कहेंगे, H2SO4 भी लिख सकते हैं। तो अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनाएंगे? सोडियम सल्फेट बनाएंगे। और बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव एंड बिलो, अबव पे सोडियम सल्फेट और बिलो पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है? नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नाइट्रेट्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। हाउएवर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद बोथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म इनसॉल्युबल लेड सॉल्ट। तो लेड नाइट्रेट एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और कैसा सॉल्ट बनाता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। PbNO3, PbNO3 का वोल्टेज एक HCl के साथ रिएक्ट करा, एक बार H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, फिर आप इनको ब्रेक कर लीजिए तो ये क्या बनाएंगे? PbCl2, PbSO4, HNO3, बैलेंस कर लिया। नाइट्रेट्स व्हेन हीटेड विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस मोर वोलेटाइल नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होंगे? बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनाएंगे? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे और नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। और अबव 200 डिग्री पे क्या बनाएंगे? पोटेशियम सल्फेट बनाएंगे और नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। ओके, अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। फिर है जनरल यूजेस ऑफ सम एसिड।
तो ये कुछ एसिड्स हैं और इनका यूज़ दिया हुआ है, जैसे बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? आई वॉश, एंटीसेप्टिक के लिए। साइट्रिक एसिड का एग्जांपल कहाँ करते हैं? विटामिन सी प्रिपरेशन, नाम ही है साइट्रिक, तो विटामिन सी होगा। फूड प्रिजर्वेशन के लिए ऑक्जेलिक एसिड, इंक स्टेन रिमूवर के लिए। तो अगर कहीं पे इंक स्टेन लग जाए तो ऑक्जेलिक एसिड से वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। कार्बनिक एसिड फ्लेवर ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स। टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर। एसिटिक एसिड टेबल विनेगर एंड कुकिंग। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लीनिंग ऑफ मेटल आइटम्स। बेंजोइक एसिड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड मेडिसिन। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव, इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरिक एसिड कहाँ पे? फर्टिलाइजर्स में। तो ये दो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा आपको याद हो जाएंगे यूजेस। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही आपको मज़ेदार वीडियोस मिलती रहेंगी।